नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। नेपाल और बिहार में पिछले 48 घंटे से भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चंपारण से मिथिलांचल तक के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नेपाल से आने वाली छोटी बड़ी नदियों ने चंपारण में तबाही मचानी शुरू कर दी है। मौसम की पहली बारिश में ही बुधवार को वाल्मीकि नगर बराज से 4.12 करोड़ क्यूसेक पानी छोड़ने से गंडक का पानी पश्चिम और पूर्वी चंपारण के साथ साथ मुजफ्फरपुर के दियारे इलाके के गांवों में प्रवेश करने लगा है। इधर मिथिलांचल में अभी स्थिति भयावह नहीं है, लेकिन कोसी, कमला, बलान, बागमती सहित अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि जारी है। नेपाल में हो रही बारिश के कारण उत्तर बिहार की अधिकतर नदियां उफान पर हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशांक जी, बिहार में बाढ़ की चिंता सताने लगी है, कई नदियां जो हैं वो बारिश की वजह से उफान पर हैं, क्या कुछ ताजा जानकारी है? हालत थोड़ी भयावह होने लगी है, क्योंकि जो नेपाल का जो वर्षाच्छादित क्षेत्र होता है, जहां पर पहाड़ों पे जो है बारिश होती है, तो वो तमाम पानी लुढ़क कर बिहार में आता है। और बिहार में दो जगहों पर या तीन जगहों पर उसको बराज बनाकर रोका गया है। जो वाल्मीकि नगर बराज है जी, वहां पर पानी जो है आकर रुका है, और उसके बाद वहां पानी इतना ज्यादा जमा हो गया कि उनके सारे स्विलिस गेट, उनके सारे गेट खोलने पड़े। और कल की बात है, जो पहली बारिश हुई थी उसमें 4,12,000 से 4,22,000 क्यूसेक पानी, उसको क्यूसेक कहते हैं, 4,12,000 से 4,22,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ है। और यही वजह है कि जो तमाम नदियां हैं जो उससे कनेक्ट हैं, वो गंडक नदी जो है, गंडक नदी वो काफी उफान पे आ गई है। और इतनी उफान पे नदी है तो उससे जो संबंधित जिले हैं, चाहे पूर्वी चंपारण हो, पश्चिमी चंपारण हो, सारण, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर तक का एरिया, वो पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गया। और सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है जो उसके नजदीक इलाके हैं, वो पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण, उसके अलावा गोपालगंज और सारण में काफी ज्यादा असर है। तो ये जो नेपाल के जलाधिकृत क्षेत्र में बारिश हो रही है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्थितियों को खराब कर रही है, और यह बहुत ज्यादा एक तरह से कहा जाए कि अब खराब होने की स्थिति में आ रही है। दूसरी बात है कि और तमाम नदियां उत्तर बिहार की, चाहे वो मिथिलांचल हो या फिर कोसी और सीमांचल इलाका हो, देखिये वहां पर हालांकि अभी रेड जोन में नहीं आया, लेकिन वहां पर भी नदियों के जलस्तर बढ़ने लगे। और जैसे ही तमाम नदियों के जल स्तर बढ़ते हैं, नियाज जो इलाके का भूगोल है, अगर आपको समझेंगे तो गंगा जो है मास्टर ड्रेन मानी जाती है पूरे तमाम उत्तर बिहार से आने वाली नदियों। अगर मास्टर ड्रेन में पानी भरता है तो फिर बाढ़ की स्थिति भयावह होती है, क्योंकि वो तमाम जो ड्रेन आती है, तमाम जो नदियां आती हैं, चाहे वो गंडक हो, बूढ़ी गंडक हो, महानंदा हो, या फिर सीमा कोसी और मिथिलांचल की नदियां हैं, कोसी है, कमला बगान है, बागमती है, इन तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ता है, और गंगा का भी अगर जलस्तर बढ़ता है तो ये पानियां रिसीव नहीं करती है और वहां बाढ़ की स्थिति ज्यादा भयावह होती है। तो अभी सुखद पहलू ये है, ठीक पहलू ये है कि गंगा का जलस्तर उस लेवल से नहीं बढ़ रहा है, यानी गंगा भी पानी रिसीव कर रही है। लेकिन उसी बीच में तमाम जिले जो आते हैं, कम से कम 5-7 जिले ऐसे हैं, मधुबनी, दरभंगा, उसके अलावा जो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर, इन तमाम इलाकों में बाढ़ की भयावहता दिखने लगी है। हालांकि मिथिलांचल में कुछ कम है, लेकिन बाकी इन इलाकों में बाढ़ की भयावहता दिखने लगी है और गंडक अपने उफान पर इस वक्त। और जिस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं, जिस तरह के अलर्ट हैं, 4 दिनों तक और ज्यादा बारिश की संभावना है। आप अंदाजा लगाए कि अभी 4.25 लाख क्यूसेक करीब पानी डिस्चार्ज हो रहा है वाल्मीकि नगर बराज से। अगर पानी जब और ज्यादा बढ़ता है तो फिर कोसी बराज जो वीरपुर में है वहां पे भी पानी बढ़ेगा, और तमाम नदियां जब ओवरफ्लो होंगी तो जो ड्रेनेज है वो एक दूसरे को पानी रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो अभी स्थिति भयावह है, खास करके पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सारण में। मुजफ्फरपुर के भी कुछ इलाकों में पानी भरा है, तो वहां पर शासन ने, सरकार ने जो रिलीफ और जो बचाव कार्य, जिसको अभी कह सकते हैं क्योंकि अभी बचाव कार्य शुरू करने हैं, तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वहां पर पहले से डिप्लॉय कर रखी हैं। तो कोशिश है कि वो जितना लोगों को रेस्क्यू कर पाए निचले इलाकों से ऊपरी इलाकों की तरफ। तो अभी रेस्क्यू का काम जारी है, बचाव का काम जारी है। बाढ़ की भयावहता और बढ़ेगी 3-4 दिनों में, जैसा कि अनुमान है कि बारिश और होगी, और बारिश जैसे ही पहाड़ी क्षेत्रों में होगी, नेपाल में बारिश होगी, बिहार की नदियां ओवरफ्लो करेंगी या कहा जाए उफान पे रहेंगी।
जी शशांक जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि अभी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, दो तीन दिनों में हो सकता है कि नदियों में उफान और बढ़ेंगी, लेकिन किसी भी तरह के अगर इस तरीके से हालात बदतर पेश आते हैं या किसी तरह की परेशानी होती है तो उससे निपटने के लिए राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग कितनी तैयार है? देखिए, ये बाढ़ बिहार में हर साल आती है, कमोवेश हर साल ये बाढ़ आती है, चाहे वो गंडक नदी के थ्रू आए, गंडक, महानंदा, बूढ़ी गंडक, ये तमाम नदियां एक क्षेत्र में कहर बरपाती हैं। दूसरे उत्तर बिहार में दूसरा इलाका जो है कोसी मिथिलांचल का इलाका, वहां पर कोसी, बागमती, कमला बरा, ये तमाम नदियां जो है अलग अलग जाती हैं और वो जाके खगड़िया में मिलती है, जाके कोसी में। अब तो तमाम नदियों का एक तांडव होता है पूरे उत्तर बिहार में, और उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि बिहार के क्षेत्रों में जो बारिश होती है वो तो होती है, जब पहाड़ों पर निपाले बारिश होती है तो उसका तमाम स्लोप बिहार की तरफ आता है, यानी बिहार के पास अच्छी कोई मैकेनिज्म अभी नहीं है। हालांकि बराज बनाए हुए हैं, वो कोसी परियोजना है, उसके साथ वीरपुर में बराज बना है, वाल्मीकि नगर में है, ये तमाम जगहों पर बराज बने हैं, लेकिन बराज के पास उतनी क्षमता नहीं कि ज्यादा पानी रोक पाए। जब बारिश होगी तो बराज के स्विलेज गेट, माफ कीजिएगा, बराज के गेटों को खोलना होगा और उससे पानी का डिस्चार्ज होता है और नदियों में आता है। आपको बता दें कि अभी 4 लाख 4.25 लाख के करीब गंडक में पानी डिस्चार्ज हो रहा है, 1.5 लाख करीब कोसी में हो रहा है, लेकिन कोसी में अगर पानी बढ़ता है उसके बाद गंडक में भी पानी का डिस्चार्ज बढ़ता है, जैसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 3-4 दिनों में 4.5 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी जो है वहां से डिस्चार्ज होगा और ये तमाम पानी गंडक नदी के थ्रू तमाम इलाकों में फैलेगा, बाढ़ की व्यवस्था बनेगी। देखिए, बाढ़ रोकने का कोई मैकेनिज्म अभी नहीं है, तो सरकार के पास आपदा को न्यूनतम करने के लिए, जो आपदा जोखिम को न्यूनतम करने के लिए, कमतर करने के लिए सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग ने तमाम SOPs बनाए रखे हैं। पहले ही उन तमाम इलाकों से लोगों को वैकेट करने के लिए कह दिया जाता है जहां पर इसके प्रभाव ज्यादा होते हैं और कोशिश होती है कि वो लोग जाके ऊपरी इलाकों में चले जाएं, सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। अगर पानी अचानक आ जाता है तो NDRF और SDRF की टीमें उनको वैकेट कराती हैं, और सबसे बड़ी समस्या होती है कि जो ह्यूमन बीइंग है, लोग हैं, उनको तो निकाला जा सकता है लेकिन लोग अपने मवेशियों को छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, खास करके जो तटबंध के अंदर के इलाकों हैं वहाँ बहुत बड़ी समस्या आती है। मैंने कुछ इलाके में देखा है कि लोग अपने मवेशियों के साथ जाना चाहते हैं तो वहाँ पर रेस्क्यू काफी दिक्कत होती है, तो ऐसे में पहले से तमाम तैयारियां की गई हैं, लोग ऊंचे स्थानों पर, बांधों पर जाके, सड़कों के पर जो ऊंची सड़कें हैं वहां पर जाके रिहैबिलिटेशन कैंप बनाए जाते हैं, तंबू गाड़े जाते हैं, उसके अलावा लोगों को फिर राहत भी दिया जाता है, उनको खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन जब पहले बाढ़ आती है तो पहले बचाव कार्य होता है और कहीं ना कहीं वो जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग, और उसके लिए जो NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है और स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, वो सारी लगाई जाती है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी लगाया जाता है, ये तमाम बचाव के जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, देखिए, न्याज देखने की बात है कि जब बाढ़ आती है उसका फैलाव इतना होता है, उसकी व्यापकता इतनी होती है कि ये तमाम चीजें जो है बहुत छोटी सरकार के प्रयास होते हैं, लोगों को बहुत ज्यादा अपने स्तर पर निपटना होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है न्याज की, ये कोई पहली बार नहीं है, बिहार में जो उत्तर बिहार का खास करके इलाका और फिर गंडक का इलाका जो है, तिरहुत का जो इलाका जिसको कह सकते हैं, बगहा हो गया, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण का जो इलाके हैं, इन तमाम इलाकों में बाढ़ हर साल की लगभग नियति है, तो लोग पहले से तैयार रहते हैं, लोगों ने व्यवस्थाएं भी अपनी उस अनुसार बना रखी हैं। दिक्कत होती है जिनके पास साधन नहीं है, तो कहीं ना कहीं सरकार और लोग मिलकर सहयोग करते हैं और स्थिति और बिगड़ेगी, ऐसी जो प्रशासन का जो प्रेडिक्शन है, क्योंकि अभी 4 दिनों तक और बारिश होगी, इसके लिए और ज्यादा प्रयासों की आवश्यकता है। जी शशांक जी, लेकिन जिस तरीके से, जैसा कि आपने जिक्र किया, ये हर साल बाढ़ की स्थिति बनी रहती है, हर साल बरसात के मौसम में ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है, भारी बारिश की वजह से बहुत से लोग होते हैं जो घरों से बेघर हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, उनके घर जो हैं वो बाढ़ के पानी में कहीं ना कहीं बह सा जाता है तो वो बेघर हो जाते हैं और तमाम तरह के दावे भी किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं फिर कैंप में रहने को मजबूर हो जाते हैं और सरकार की तरफ से हालांकि सारी चीज़ें, हर तरह के रिलीफ दी जाती है, लेकिन इसके बावजूद हर साल की स्थिति जो है वो इस तरह की बनी रहती है। शशांक जी, देखिए नियाज, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि आप अगर भूगोल पर नजर डालें तो नेपाल ऊंचाई पर है, हिमालय ऊंचाई पर है और बिहार उसके तलहटी पे है,
जो तमाम जगह पर बारिश होती है वो सिर्फ बिहार की बात है, उत्तर प्रदेश के भी तमाम इलाकों में जो नदियां वहां से उतरती हैं वो भी उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। तो बिहार का जो भौगोलिक स्थिति, बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है वो ऐसी है कि नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में जब बारिश होगी तो तमाम पानी ड्रेन आउट होकर बिहार में ही आएगा, और बिहार में जब वो पानी इतनी हाइट से आता है तो उसमें वेग भी होता है, हालांकि बराज बनाकर उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो इतना ज्यादा संभव नहीं है। और क्योंकि हिमालय जो है आपको थोड़ा तकनीकी पहलू में आ जाते हैं, आमतौर पर ये बातें कही जाती हैं कि नेपाल में बड़े डैम क्यों नहीं बनाए जाते हैं, वाटर को रेगुलेट क्यों नहीं किया जा सकता है, जितनी कोशिश हो सकती है नीचे उतरने के बाद पानी को रेगुलेट करने की कोशिश, कोसी बराज हो या फिर वाल्मीकि नगर का बराज हो, तमाम ऐसे बिहार में बराज है जो पानी को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेपाल में अगर डैम बनाने की तमाम समय बात आ रही थी, क्योंकि पानी को जब तक नेपाल में ऊपर नहीं रोका जाएगा आपके पास पानी आएगा ही आएगा, और जब पानी स्पीड से आएगा तो वो क्षेत्रों में फैलेगा, क्योंकि नदियों का, बिहार की नदियों का प्रकृति रही है, तो पानी जब आता है तो रास्ता बनाते हैं और मास्टर ड्रेनेज गंगा में जाके मिलती है, तो ये वो अपना रास्ता बनाती थी, क्योंकि अब आबादी हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया है, तो नदियों को सर्टेन वे से जाना होता है, और यही कहा है कि उसमें वेग ज्यादा होता है और वो फैलाव फिर जहां भी जाती है डिस्टर्ब करती है, तोड़फोड़ करती है। ये कुछ अलग से पहलू है, तकनीकी पहलू है। अब नेपाल में जो बराज बनाने की बात कर रही थी, बड़े डैम बनाने की बात कर रही थी, लेकिन जो हिमालय है एक नवोदित पहाड़ है, अभी वो बनने के क्रम में है, ऐसे में वहां का जो मिट्टी है, सॉयल है, बड़ी गुनगुनी है, और कोई भी पर्यावरण जो है विशेषज्ञ है या नेपाल सरकार है या भारत सरकार भी है उसको पता है कि हाई रिस्क होता है, क्योंकि वो भूकंप के भी हाई रिस्क जोन में होता है, तो उसमें डैम बनाना भी टेक्निकली उतना आसान नहीं है, और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मुद्दे भी आ जाते हैं इसमें, तो हड़ताल की एक विभिषिका जो वो झेलनी पड़ती है। आपदा के लिए कहा गया है कि आपदा तो आएगी ही, आप उससे जोखिम को कितना कम कर सकते हैं, अपनी तैयारियां कितनी कर सकते हैं, ये एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए जो साइक्लोन्स आते हैं चाहे उड़ीसा में चाहे बंगाल में या फिर आंध्रा में, वहां पर अब व्यवस्था की गई है कि जब साइक्लोन आएगा तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आप उससे अपने लोगों को बता कैसे सकते हैं, इसके लिए तमाम एसओपी बने हैं, और महत्वपूर्ण है कि दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां उसको पालन भी बहुत किया गया, तो आखिर बिहार 50-60 सैकड़ों साल से नेपाल की नदियों के, हजारों साल से नेपाल की नदियों के विभिषिका झेल रहा है। 1950 के बाद कोसी का डैम बनाया गया, कोसी का दो तक इम्बैंकमेंट बनाया गया कि कोसी कहर न ढाए, कोसी जो सबसे खतरनाक नदी भी उत्तर बिहार की मानी जाती है, लेकिन वो बांध बनाने के भी अपने अलग अलग पहलू हैं, कहीं पर उसका फायदा भी हुआ है अभी तक 50 सालों में, लेकिन अब उसके घाटे भी दिख रहे हैं, तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको आपदा को रोका नहीं जा सकता नहीं आज, और खास करके इस तरह की आपदा, आप अगर उस इलाके की भौगोलिक स्थितियों से आप वाकिफ होंगे तो आपको लगेगा, जो लोग जानते हैं, कि इसको बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, इसमें आपदा को जो है न्यूनतम करने, लोगों के जोखिम को कम किया जा सकता है, तो इसके लिए सरकार को तमाम प्रयास किए जाने चाहिए थे, हालांकि सरकार ने तमाम प्रयास किए हैं, रिहेबिलिटेशन के अलग अलग इलाकों को चिन्हित किया था, मैंने कोसी इलाके में काम किया है, कोसी एम्बैंकमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा इलाका आता है जहां पहले बहुत सारे गांव थे, अभी भी बहुत सारे गांव हैं, उन लोगों के लिए अलग व्यवस्थाएं की गई थी कि आप इस तरफ आके अपनी बस्तियां बताएं, लेकिन 50 सालों में नहीं आया, 7 सालों में कोई व्यक्ति अपने गांव को छोड़ के नहीं आया, अपने खेतों को छोड़ के नहीं आया, और हर साल जब कोसी में बाढ़ आती है तो दोनों तटबंधों के बीच की आबादी, जो लाखों की आबादी है वो सुपौल से लेकर खगड़िया तक जाती है, उन लाखों की आबादी, 110 किलोमीटर के तटबंध के अंदर करीब लाखों की आबादी है जो नहीं जाना चाहती है, नहीं उस अपने इलाके को छोड़ के नहीं जाती है, क्योंकि जब पानी निकलता है तो जमीन भी बहुत फर्टाइल हो जाती है और लोगों की दिनचर्या भी चालू हो जाती है। तो देखिए अगर सही बातों में कहें तो दोनों पक्षों से कमियां हैं, सरकार को भी ने कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई है कि ये परमानेंट सोल्यूशन किया जाए लोगों को, क्योंकि पानी को नहीं रोका जा सकता है लेकिन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जा सकता है और उनको सुरक्षित स्थानों में बचाया जा सकता है, लेकिन सरकार के प्रयास विफल रहे हैं क्योंकि लोगों ने कहीं ना कहीं हेल्प नहीं किया है, तो ये पूरी एक कहा जाए कंबाइंड इफर्ट होना चाहिए, क्योंकि बाढ़ और आपदा को आप नहीं रोक सकते, खास करके उत्तर बिहार में जो पहाड़ी इलाकों से बाढ़ होती है। बिल्कुल शशांक, जिस तरीके से सरकार को बाढ़ को तो रोका नहीं जा सकता है लेकिन बाढ़ से होने वाले नुकसान पर अंकुश जरूर लगाया जा सकता है, इसके लिए सरकार को रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि हर साल ये देखा जाता है कि बिहार के कुछ ऐसे इलाके हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं, हर साल बाढ़ में ऐसी स्थिति बन जाती है कि वहाँ पर बाढ़ आने के बाद लोग बेघर हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार को एक रणनीति बनाने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक तमाम जानकारी के लिए।
वहीं कोरोना महामारी में कोरोना के साथ साथ ब्लैक और व्हाइट फंगस चुनौती बनते जा रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ब्लैक फंगस को राज्य में महामारी घोषित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार देर शाम ट्वीट किया, मुख्यमंत्री ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने का निर्देश दिया है। उसमें आगे कहा गया कि मुख्यमंत्री के इस संदेश के बाद राज्य में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान देश के अन्य हिस्सों की तरह झारखंड में भी ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ गया है। कोरोना के साथ ब्लैक फंगस राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सीएम ने महामारी घोषित करने का निर्देश दिया गया है और महामारी घोषित करने की सारी प्रक्रियाओं को अब अंजाम दिया जा रहा है। तो ब्लैक फंगस के रोजाना मरीज आ रहे हैं और ब्लैक फंगस का कहर लगातार झारखंड में बढ़ता जा रहा है। सीएम ने इसे महामारी घोषित करने का भी निर्देश दिया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिनव कुमार रांची से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिनव, जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि अभी जो राज्य सरकार के सामने चुनौती है वो ब्लैक फंगस का है, क्योंकि हालांकि कोरोना का भी है, कोरोना का दौर लगातार जारी है, लेकिन कोरोना के ऊपर राज्य सरकार ने काफ़ी हद तक ब्रेक लगा दी है, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब सीएम सोरेन ने इसे महामारी घोषित करने का भी निर्देश दे दिया है। बिल्कुल निहाज, ब्लैक फंगस को लेकर सरकार बिल्कुल चिंतित है और केसेस जो है ब्लैक फंगस के वो बढ़ने लग रहे थे और शायद यही वजह है कि अब इसको जो है मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दे दिया गया है। और तैयारियां कैसी है इसको लेकर बिल्कुल कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग लेकर अलर्ट है कि कैसे जो है ब्लैक फंगस को मात दिया जाए, चूँकि कोरोना का अब जो रफ्तार है धीरे धीरे कम हो गया है। राज्य सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए थे जिसकी वजह से जो है कोरोना पर रोकथाम हुआ है। अब ब्लैक फंगस को लेकर सरकार चिंतित है कि ब्लैक फंगस के जो केसेस बढ़ने लग रहे हैं, अभी तक जो रिपोर्ट आ रही है कि 130 लोग टोटल जो केसेस हैं कि हो चुके हैं, जिसमें से कि 79 लोग संदिग्ध पाए गए हैं और अगर पिछले 24 घंटे की बात करें निहाज तो 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट मैं बात करूं तो, और ओवरऑल अगर 25 लोगों की मौत हो चुकी है ब्लैक फंगस को लेकर। तो ब्लैक फंगस को लेकर जो है कहा जा सकता है कि अब अलर्ट मोड में है, कई जिलों को रेड जोन में, ग्रीन जोन में और येलो जोन में बांट दिया गया है और उस हिसाब से जहां पर केसेस ज़्यादा हो रहे हैं वहां पर लेकर सरकार जो है बिल्कुल चिंतित है और स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर अलर्ट कर दिया गया है। सभी जो अस्पताल है वहां पर साफ सफाई रखने की बात कही गई है और इसको लेकर जो है तैयारियां भी अब चल रही है। क्योंकि देखिए ब्लैक फंगस की अगर बात कर रहे हैं निहाज, तो ब्लैक फंगस के जो लक्षण है वो आंखों में प्रॉब्लम हो जाता है, नाक बहने की वजह से ये सब सारी दिक्कत होती है, उसके बाद चेहरे में स्वेलिंग हो जाती है, दांत में प्रॉब्लम हो जाता है। और रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो कोरोना के पेशेंट हैं या कोरोना से ठीक भी हो गए हैं और जिनको डायबिटीज़ है, जिनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, उन पर ज़्यादा ब्लैक फंगस हावी हो रहा है और जो स्टेरॉयड का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उस पर ज़्यादा ये जो ब्लैक फंगस है वो हावी हो रहा है। तो इसको लेकर अब जो है सरकार चिंतित है, चूंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से जो रविशंकर शुक्ल है जो अधिकारी है उन्होंने निर्देश दिया हुआ है झारखंड में, चाहे नोडल अधिकारी हो, चाहे सिविल सर्जन हो, चाहे रिम्स के निदेशक हो, सभी को निर्देश दिया गया है कि एक इंजेक्शन है, एंटी फंगल इंजेक्शन है, उसको दिए जाने की बात कही जा रही है। तो इसको लेकर जो है सरकार चिंतित नजर आ रही है। तो अब कह सकते हैं कि ब्लैक फंगस को लेकर सरकार चिंतित है और इसको लेकर कवायद भी अब चल रही है। जी अभिनव, लेकिन जिस तरीके से कोरोना की अगर बात की जाए तो कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो लोगों को पता है, लोग इससे जागरूक हो चुके हैं कि कोरोना के सिम्टम्स क्या होते हैं और ऐसे सिम्टम्स आने के बाद उन्हें क्या कदम उठाना है, जाकर के उन्हें टेस्ट कराना है। लेकिन ब्लैक फंगस की जहां तक बात की जाए अभिनव, तो ये देखा जा रहा है कि इसके लक्षण को लेकर के लोग काफ़ी कन्फ्यूज्ड हैं। आखिर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि ब्लैक फंगस के क्या सिम्टम्स होंगे, उसके लक्षण क्या होंगे और ऐसा होने के बाद उन्हें क्या कुछ कदम उठाने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन
क्या इसको लेकर के राज्य सरकार को क्या नहीं चाहिए कि कोई जागरूकता अभियान चलाए ताकि लोगों को ये बताया जा सके कि ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं और आपको क्या कुछ आगे कदम उठाना है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हमने कोरोना का दंश झेला और किस तरीके से जाने गई और कोरोना का वो दौर हमने देखा, लेकिन अब हालांकि सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं, चाहे लॉकडाउन की बात कर ले, जिस वजह से कोरोना का जो ग्राफ है वो बिल्कुल कम हो गया है, लेकिन एक और जो रौद्र रूप ले रहा है वो ब्लैक फंगस, और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय बना हुआ है। और जिस तरीके से कोरोना के बाद जो है ब्लैक फंगस प्रभावी हो रहा है, 130 लोग अगर झारखंड की बात करें जो सामने आंकड़े आ रहे हैं, इतने केसेस आ चुके हैं, तो चिंता बिल्कुल बना हुआ है। और कैसे, जिस तरीके से कोरोना को हमने मात दिया फिलहाल, अभी अगर बात करें केसेस कम हो रहे, वैसे ब्लैक फंगस को कैसे मात दिया जाए, इसको लेकर जो है सरकार चिंतित भी है। हालांकि कई जगह जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है शहर की बात करें तो, लेकिन अगर गाँवों की बात करें तो गाँवों में कई लोगों को पता भी नहीं है कि ब्लैक फंगस क्या है और कैसे इसका इलाज किया जाता है। दरअसल जो सिम्टम्स जो देखने को मिल रहे हैं, जो डॉक्टर भी बता रहे हैं कि नाकों में सूजन हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सिर में दर्द हो जाता है और चेहरे में स्वेलिंग होती है, और ये खासकर जो है डायबिटीज जो मरीज हैं उन पर ज्यादा ये केसेस हो रहे हैं, और जो कोरोना से ठीक भी हो गए हैं या कोरोना के पेशेंट हैं उनमें ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं। शुगर लेवल बढ़ जाता है उसकी वजह से, और चूंकि कई लोग वेंटिलेटर पे और आईसीयू में रहते हैं उसकी वजह से जो है केसेस यहां पर उनको सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है ब्लैक फंगस को लेकर। तो ये सब सारी चीजें हैं। हालांकि सरकार की तरफ से बात करें तो कई जगह जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, और राष्ट्रीय मिशन की बात करें, स्वास्थ्य मिशन जो है रविशंकर शुक्ल ने भी आदेश दिया है कि एक एंटी फंगल इंजेक्शन है उसको लगवाया जाए, तो इसको लेकर भी सरकार तैयारियां कर रही है। और अगर अस्पताल की बात करें तो जागरूकता अभियान तो चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन क्या इसका असर देखने को मिल रहा है? देखिए, अब असर देखने को मिल रहा है तो लोगों के ऊपर है कि कैसे उसको सारे चीज़ों को देखते हैं, और खासकर मैं अस्पतालों की बात कर रहा था, वहाँ पर जो कोरोना के पेशेंट हैं उनको सही तरीके से मास्क का यूज करना, साफ सफाई का ध्यान रखना, साफ मास्क का यूज करना, और कई जगह जो गंदगी है अस्पताल के बाहर वो सब सारी चीज़ें कैसे हटाया जाए, साफ सफाई रखने को लेकर बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा है। और स्वास्थ्य विभाग की ओर से निर्देश भी दिया गया है इसको लेकर कि जहाँ पर अस्पताल है वहाँ पर साफ सफाई करें, और जो पेशेंट हैं कोविड के उनको जागरूकता बताएं कि कैसे सब सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कैसे हम स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी जा रही है, लेकिन गाँव में अगर बात करें निहास, तो गाँव में थोड़ा अवेयरनेस की कमी है। सरकार को चाहिए कि गाँव में जाकर इसको लेकर जो जागरूकता अभियान फैलाएं ताकि जो लोग हैं उनको बताएं कि कैसे इसे ठीक भी हुआ जा सकता है, कैसे होने पर क्या कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीजें बतानी होगी ताकि जो ब्लैक फंगस के केसेस है वो कम होंगे, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जी अभिनव, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखा गया कि जिस तरीके से अगर अपने पड़ोसी राज्य बिहार की बात की जाए तो बिहार के बहुत बड़े बड़े अस्पतालों में ब्लैक फंगस की दवाओं और इंजेक्शंस में कमी देखी गई, उसको लेकर के शिकायत भी दर्ज कराई गई कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में इसकी दवाएं और इंजेक्शंस उपलब्ध नहीं है। तो इसी तरीके की स्थिति क्या झारखंड राज्य में उत्पन्न हो सकती है आने वाले समय में? क्योंकि झारखंड में तो सीएम सोरेन ने इसे महामारी घोषित कर दिया है और इसके मामले ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो झारखंड सरकार इसको लेकर के कितनी तैयार है? देखिए, सीएम ने बिल्कुल महामारी घोषित कर दी है कि ब्लैक फंगस महामारी, और उन्होंने ट्वीट करके मंगलवार को जानकारी दी थी। चूंकि जो कोरोना के केसेस जो ब्लैक फंगस के जो केसेस है वो लगातार बढ़ने लग रहे थे, और आप देखिए ना कि 25 लोगों की मौत भी हो चुकी है, और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 5 लोगों की मौत हो चुकी है, और हालात बिल्कुल अब कह सकते हैं कि धीरे धीरे ख़राब हो जाएंगे अगर इस पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो। जहां तक अगर हम बात करें तैयारियों को लेकर, तो तैयारियां चल रही है, और कह ले कि सरकार जो है अगर स्वास्थ्य विभाग की बात कर ले तो अस्पतालों को भी निर्देश दे रही है, कई तरह के जागरूकता अभियान शहर में चलाए जा रहे हैं कि कैसे इसको रोका जाए, और डॉक्टर भी बिल्कुल इसको लेकर चिंतित है, और कई जगह लोगों को बताया भी जा रहा है कि कैसे इसे निजात पाया जाए। चूंकि आप देखिए कोरोना का जो सीन था, कोरोना ने क्या कहर बरपाया, और सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि जो ब्लैक फंगस है वो रौद्र रूप ले और यहाँ पर लोगों को संक्रमित करे। तो ऐसे में सरकार बिल्कुल
बिल्कुल चिंतित है, स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल अलर्ट है, तैयारियां भी की जा रही है। और जहां तक अस्पतालों की बात करें तो वहां पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और जागरूकता भी बताया जा रहा है कि कैसे ब्लैक फंगस को हम टैकल करें, कैसे साफ सुथरा रहें, तो सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत और भी इसको लेकर काम करने की जरूरत है ताकि हम बिल्कुल ही ब्लैक फंगस से बच सकें। जी बिल्कुल अभिनव, तो जिस तरीके से ब्लैक फंगस झारखंड में जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर सीएम सोरेन ने भी अब इसे महामारी घोषित करने का फैसला किया है और उनके इस फैसले पर जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। तो जिस तरीके से लगातार ब्लैक फंगस के लक्षण अगर देखे जा रहे हैं तो जागरूकता अभियान की भी ज़रूरत है ताकि लोग जागरूक हों और ब्लैक फंगस के लक्षण दिखते ही ये जा कर के हॉस्पिटल में इसका ट्रीटमेंट कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।